इस तरह का शोर मचा हुआ होता है और गोश्त बन रहा होता है गोश्त बांट रहे होते हैं कुर्बानी हो रही होती है तो पहला दिन तो ऐसे ही गुजरता है अभी सुबह सुबह का वक्त है दोपहर तक ये टम्परामेंट और ज्यादा लोगों का लूज हो जाता है यहाँ पे लेकिन काम फिलहाल चल रहा है अच्छा हमने देखा है कि अमूमन लोग जो हैं छुरी के सही से फिर हैं उसको हाथ लगाते हैं आपने छुरी खुद फेरी इसकी कोई खास वजह नहीं मैं हमेशा कोशिश करता हूँ क्योंकि उसमें एक कुर्बानी की फील है ये जानवरों से हम प्यार करते हैं हमें अच्छे लगते हैं फिर मेरे पास जब ये आते हैं तो मैं इनको रात के वक्त अक्सर या दिन के वक्त प्यार करने जाता हूँ तो वो एक फील मैं लेने की कोशिश करता हूँ सलाम की कुर्बानी जो है वो तो बहुत बड़ी कुर्बानी थी बहुत बड़ी कुर्बानी उसके जैसी कुर्बानी तो कोई भी नहीं कर सकता और वैसी कुर्बानी तो हम तस्वर भी नहीं कर सकते लेकिन अल्लाह ताला ने हमें एक रास्ता बताया और हज़रत इब्राहिम सलाम की जो सुन्नत है उस पर हम सारे अमल करते हैं लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उस फील को महसूस करूँ उसको फ़ील करूँ कि जानवर जब आप कुर्बान कर रहे होते हैं उसके साथ आपको प्यार हो लेकिन वो तो अपने बेटे को लेकर कुर्बान करने वाले थे ना तो वहाँ वो बहुत बड़ा जज्बा था कुर्बानी का और बहुत बड़ी कुर्बानी थी वो तो हमारे इस्लाम में तो कुर्बानी की बड़ी दास्तानें हैं हज़रत इमाम हुसैन रजील्ला तैन की कर्बानी हज़रत इमाम हसन रजील्ला तौर की क़ुरबानी हमारे आका नबी अलैहि सम की बेशुम हैं सहाबा की बहुत हैं तो सब ने कुर्बानियों की मिसालें कायम की हैं तो ये हमारे दीन की खासियत है तो उसको मुझे फ़ील होता है ज़्यादा जब मैं अपने हाथ से जानवर को ज़िबा करता हूँ तो। अच्छा एक प्रोफेशनल की छुरी चलाने में और एक आम बंदे की छुरी चलाने में फर्क होता है लेकिन आपकी छुरी ऐसे चल रही थी जैसे प्रोफेशनल चला रहा है तो इसके पीछे शिकार की वजह तो नहीं है जो आप शिकार करते हैं और शिकार पे भी जाहिर बात है वहाँ पे जानवर बा करते होंगे अपने हाथ से तो ये इसकी वजह तो नहीं है कि आपका हाथ जो है वो प्रोफेशनल हो चुका है यानी कई सालों से मैं ये झब्बा कर रहा हूँ जानवर वैसे भी हम लोग कभी खाना होता है घर में बकरे वगैरह अपने भी रखे हुए हैं उधर फार्म पे चले जाते हैं दोस्तों के पास जाते हैं वहाँ भी मैं बा करता रहता हूँ छुरी आपकी तेज़ होनी चाहिए फिर ये दिमाग में होता है कि जानवर को तकलीफ़ कम से कम हो जो आपका प्यारा जानवर है इसको आप कुर्बान कर रहे हैं अल्लाह के रस्ते पे, उसको कम से कम तकलीफ़ हो तो फिर उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से बा करना चाहिए मेरा हाथ जितना भी साफ़ हो उमान सब आपसे ज़्यादा साफ़ नहीं है आप तो माशा बड़े बड़े बैल ऐसी बा कर देते हैं ऊँट भी बा कर देते हैं ऊँट हालाँकि मैंने भी बा किया बैल भी बा किए हैं मैंने तो शिकार एक रीज़न हो सकता है कि वो इंस्टिंगट आप अंदर होती है बा करने की ज़रा थोड़ा सा आसान रहता है अच्छा पहला दिन तो ये गोश्त बनाने में बांटने में इसमें गुजर जाता है दूसरा तीसरा दिन कैसे गुजर? दूसरा दिन रिश्तेदारों में इधर उधर जाने में पहले दिन लोग इधर आ जाते हैं मेरी तरफ मेरी तरफ तो नहीं अबू की तरफ आ जाते हैं अब बड़े हैं खानदान में सबसे तो सारे इधर आ जाते हैं और दूसरे दिन फिर हम लोग मिलने के लिए चले जाते हैं जहाँ कोई जगह रह जाती है और बस ऐसे ही है बकरा ईद पे तो पहला दिन ही होता है असल में बाकी तो ईद मिलने के लिए चले जाते हैं कुछ लोग रह जाते हैं उनको कुछ दोस्त हैं इस दफ़ा उनके वालदेन का इंतकाल हुआ है वहाँ जाऊँगा बल्कि आज ही जाऊँगा क्योंकि उनकी पहली ईद है उसके बाद तो इस तरह गुजर जाता है दिन अच्छा कोरोना से कितना अफेक्ट आया है ईदों पर जो ईद पे पहले लोग मिलते थे आके दूसरों के घरों में जाके मिलते थे तो कोरोना से कितना अफेक्ट आया पाकिस्तान को अलहमदिल्ला ताला ने बड़ा महफूज रखा है हमारी कोई भी ईद खराब नहीं हुई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्लाह ताला ने पिछले साल भी जो ईदें थीं उन पर लोगों को महफूज रखा ईदें गुजर गईं और लोग भी काफ़ी हद तक बचे हैं इस साल भी अल्लाह ताला ने खास करम किया अभी चौथी वेव है लोगों से गुजारिश है थोड़ी एहतियात कर लें लोग खुद भी समझदार हैं और अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है पाकिस्तान पे ख़ास पे अच्छा ज़्यादातर लोग जो हैं वो तीन ही करके गोश्त बांट देते हैं आप यहाँ पे देखें भी पकवा रहे हैं इसकी क्या खास वजह वह कुछ लोगों को पका के खिला देंगे कुछ लोगों को वैसे जो वैसे लेकर जाना चाहते हैं वैसे ले जाए जो खाना चाहते हैं यहाँ पक रहा है गोश्त वो आके खा लें या हम बाहर ले जाएंगे जहाँ पे वो खाना चाहें वहाँ पे उनको खिला देंगे जो साथ पका हुआ लेकर जाना चाहे पका हुआ ले जाए जो गोश्त वैसे लेकर जाना चाहे वैसे ले, ले जाए ये तो लोगों की अपनी मर्जी है जैसा वो चाहें वैसे उसको ले जाए और बांटने के हवाले से बस मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि फ्रीज़र कम करें और सवाब जो है उसको ज़्यादा कर लें बड़ा कर लें बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका अल्लाह जी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बकरे कट रहे हैं और इस जगह पे अगर आप आए तो ये एक बकरा ज़िब्बा हुआ पड़ा है और दो अभी उन्होंने टांगे हैं और खाल उतार रहे हैं तो ये सिलसिला क्या तक चलता रहेगा ऐसे ही अपने होस्ट उस्मान बुरु को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़